ये देखिए सिंपल, मैंने हदीस नबी सर्च किया तो यहाँ पर 5 लाख से भी ज़्यादा व्यूज हैं, और यहाँ पर जो है 2.9 मिलियन व्यूज़, यानी कि 3 मिलियन व्यूज़ होने वाले हैं यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर जो है 3 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। नीचे चलते हैं हम, ये देखिए ये वीडियो है, यहाँ पर 7 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं, यहाँ पर 1 मिलियन व्यूज़ हैं, यहाँ पर भी 1 मिलियन व्यूज़ हैं। इस तरह की वीडियो बनाकर आप भी अपलोड करके इस तरह के व्यूज़ हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो हम किस तरह बना सकते हैं, जानते हैं आज की इस मुकम्मल वीडियो में। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारों, आज मैं आपको हदीस नबवी की वीडियोस बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह आप वो प्रोफेशनल वीडियो मोबाइल पर बना सकते हैं जिसके ऊपर लाखों में व्यूज़ होते हैं, मिलियंस में व्यूज़ होते हैं। तो चैनल्स आपने देख लिए होंगे, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं उसी तरह की वीडियोज़ बनाना। तो आप भी उस तरह की वीडियोज़ जो है बना सकते हैं, अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मीडिया के थ्रू मैंने यहाँ पर जो है बैकग्राउंड सेलेक्ट कर दिया है पहले फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो हम बढ़ा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 30 सेकेंड की वीडियो बनानी है, तो हम इसका जो ड्यूरेशन है बैकग्राउंड का वो भी हम उस हिसाब से बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर इस तरह का आपको बैकग्राउंड चाहिए तो आप सिंपल जाएंगे गूगल पर, वहाँ पर जाके लिखेंगे आप हदीस बैकग्राउंड पिक, तो आपको बहुत सारी जो है इस तरह की पिक्चर्स मिल जाएंगी, आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो मैंने भी गूगल से डाउनलोड की थी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ऐड करना है वॉइस ओवर, ठीक है। वॉइस ओवर मैंने उसी ऐप के अंदर किया है जिसका मैंने आपको लास्ट टाइम बताया हुआ है, प्रोफेशनल वॉइस ओवर। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी उसी के अंदर जो है अपना वॉइस ओवर कीजिएगा। तो वॉइस ओवर ऐड करने के लिए हम यहाँ जाएंगे ऑडियो में, ऑडियो में जाने के बाद यहाँ जाएंगे हम फोल्डर में। तो हमारे पास ये इको का फोल्डर है, यहाँ पर जो है हमारे पास वो वॉइस ओवर पड़ा होगा, ये पड़ा है हदीस जिसके ऊपर लिखा है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऐड हो के नीचे जो है आ जाएगा। इसके नीचे अब हमने ऐड करना है इस्लामिक साउंड इफेक्ट। तो साउंड इफेक्ट आप कहाँ से ले सकते हैं, आप जाएंगे सिंपल यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर जाके सर्च करेंगे आप नो कॉपीराइट इस्लामिक साउंड इफेक्ट, ठीक है। तो बहुत सारी इस तरह की वीडियोज़ आपके पास आ जाएंगी, तो आप उनमें से किसी भी साउंड इफेक्ट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा जो कॉपीराइट फ्री हो, जिसके ऊपर नीचे लिखा हो कॉपीराइट फ्री, तो वही आपने डाउनलोड करना है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं करना। उसके ऊपर फिर आपको कॉपीराइट आ सकती है चैनल के ऊपर, या स्ट्राइक भी आ सकती है, तो इस चीज़ से आपने बचना है, ठीक है। कोई भी डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद फिर उसको ऐड करने के लिए आप यहाँ जाएंगे ऑडियो में, अगर वीडियो में है तो फिर आप लेयर में जाएंगे, ठीक है। मेरे पास ऑडियो में पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ जाऊँगा फोल्डर में, फोल्डर में जाने के बाद यहाँ डाउनलोड में जाऊँगा, डाउनलोड में जाने के बाद मेरे पास जो है इस्लामिक साउंड इफेक्ट पड़ा हुआ है, मैं वो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है नीचे ऐड हो जाएगा। अब जो हमारा इस्लामिक साउंड इफेक्ट है इसका हमने वॉल्यूम कम रखना है, इसीलिए कम रखना है ताकि हमारा जो नीचे वॉइस ओवर है उसकी आवाज़ हमें क्लियर सुनाई दे, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हम जो है साउंड इफेक्ट का, इस्लामिक जो साउंड इफेक्ट है इसका हम वॉल्यूम कम करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे मिक्सर में, यहाँ पर जो साउंड इफेक्ट का वॉल्यूम है उसको हम 30 तक कर देंगे, ठीक है। तो फिर हमें जो हमारी आवाज़ है वो क्लियर सुनाई देगी, और वॉल्यूम जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा हमारी ओरिजिनल वॉइस के हिसाब से, तो फिर हमारी जो वॉइस है वो हमें वाजे और क्लियर सुनाई देगी। तो अब हमें इस तरह आवाज़ सुनाई देगी, ये देखिए हो गई। अब हमने जो है यहाँ पर डेकोरेटिव लाइन ऐड करनी है। डेकोरेटिव लाइन किस तरह की होती है, आप जाएंगे गूगल पर, वहाँ पर सर्च करेंगे आप डेकोरेटिव लाइन, ठीक है। तो इस तरह की जो लाइंस हैं आपके पास सामने शो हो जाएंगी, तो इनको आप डाउनलोड करके अपनी वीडियो में है यूज़ कर सकते हैं। आप PNG में लिखेंगे तो PNG में आ जाएंगी, फिर आप उसको काइन मास्टर में इंपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह की डाउनलोड की हुई हैं, उनको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ जाएंगे हम लेयर में, लेयर में जाने के बाद यहाँ हम जाएंगे मीडिया में, तो मेरे पास जो है वो लाइन्स पड़ी हुई हैं, ये वाली लाइन्स हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं कोई एक लाइन जो है वो ले लूँगा, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली ले लेता हूँ, बाकी को कट कर दूँगा क्रॉप करके, तो जो ये वाली लाइन है वो मेरे पास यहाँ पर जो है आ जाएगी। तो ये लाइन हमारे पास ऐड हो गई है। अब हमने इसका जो है कलर थोड़ा सा हमें वाजे नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसका कलर जो है थोड़ा सा वाजे करना चाहते हैं, तो हम यहाँ जाएंगे एडजस्टमेंट के अंदर, ठीक है। एडजस्टमेंट के अंदर जाने के बाद लास्ट पर चले जाएंगे, उसके बाद जो हमारे पास गेन का ऑप्शन है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तकरीबन 70 तक कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो लाइन है वो हमें फिर वाजे शो होने लग जाएगी। गेन का जो ऑप्शन है इसको आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो इसका जो कलर है वो फिर इस तरह हो जाएगा, वो हमें वाजे दिखाई देगा। फिर हमने इसकी एक कॉपी ले लेनी है डुप्लीकेट करके, इसको जो है हमने एडजस्ट करना है, फिर इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको जो है यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे इन दोनों को बराबर, ठीक है। फिर हमने इनका जो ड्यूरेशन है वो भी हमने बढ़ा देना है, जितने सेकंड की हमारी वीडियो है तो इन दोनों को हम फिर उसी हिसाब से बढ़ा देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमने इसके दरमियान में लिखना है फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो यहाँ हम जाएंगे टेक्स्ट में, टेक्स्ट में जाने के बाद हम यहाँ पर वो लिख देंगे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, इसको फिर हम कर देंगे ओके, और इसकी जो एक लाइन है इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह प्लेस हो जाए, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ठीक है। अब हमने इसको कर दिया है हमने प्लेस, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर हमने जो है इसको
प्रेस कर दिया है। ठीक है, अब हमने नीचे जो है वो हदीस लिखनी है, वो अपने वॉइस ओवर के हिसाब से लिखनी है, जो कुछ हम बोल रहे हैं वो नीचे हमने लिखना है। तो सबसे पहले हम जो बोल रहे हैं वो फिक्रा हम लिखेंगे, तो वो लिखने के लिए हम यहाँ जाएंगे लेयर में, लेयर में जाने के बाद यहाँ हम टेक्स्ट में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो फिक्रा हम बोल रहे थे वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहला फिक्रा है कि जब तुम तीन आदमी साथ रहो। ठीक है, तो ये पहला फिक्रा है हमारा, तो यहाँ पर इसको जो है हम प्लेस करेंगे। ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन है वो हम बढ़ा देंगे, जितनी हमारी वीडियो है उस हिसाब से इसको हम बढ़ा देंगे। ठीक है, सब का हमने ड्यूरेशन बढ़ाना है, इसका भी हमने ड्यूरेशन जो है बढ़ा देना है जितनी हमारी वीडियो है, ताकि वीडियो जब चले तो वो हमें क्लियर है दिखाई दे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने जो है लिख दिया है जब तुम तीन आदमी साथ रहो। ठीक है, ये फिक्रा हमने लिख दिया है। अब चूंकि हम बोल रहे हैं तो उसी हिसाब से इसको हमने सेट भी करना है। ठीक है, ये हमारा जो है पहला फिक्रा हो गया। इसके ऊपर हमने लगानी है इन एनिमेशन, जो कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, तो आपने कोई भी यहाँ पर लगा देनी है, तो मैं ये वाली लगा देता हूँ, इंटरस्लाइड लेफ्ट। ठीक है, आपने ये इंटरस्लाइड लेफ्ट वाली जो है वो लगा देनी है, इसके ऊपर इन एनिमेशन लगा देनी है। ठीक है, ये अब हमारा पहला फिक्रा हो गया, पहला फिक्रा हमारा इस तरह शो होगा। ठीक है, अब ये हमारा पहला फिक्रा कंप्लीट हो चुका है, अब हमने दूसरा फिक्रा लिखना है। ठीक है, तो इसी कॉपी की हम इसी टेक्स्ट की जो है हम कॉपी लेंगे, इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे हम थ्री डॉट पे और इसकी डुप्लीकेट ले लेंगे। ठीक है, डुप्लीकेट लेने के बाद इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाएंगे, जहाँ से हमारा जो दूसरा फिक्रा स्टार्ट हो रहा है वहीं से जो है हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा फिक्रा हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो है हमारा प्ले हेड है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा दूसरा फिक्रा स्टार्ट हो रहा है, तो इसको यहाँ पर रखेंगे और फिर हमने जाना है एडिट में। ठीक है, एडिट में यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर जो है इसको हम रेज़ कर देंगे, दूसरा फिक्रा हम यहाँ पर जो है लिख देंगे। तो दूसरा फिक्रा है, तो तुम में से दो आदमी तीसरे आदमी को अकेला छोड़ कर। ठीक है, तो इसको ओके करके इसको करेंगे हम नीचे प्लेस। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा फिक्रा। इसी तरह हम तीसरा फिक्रा लिखेंगे जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, तो तीसरा फिक्रा देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो हम लिखेंगे। तो तीसरा फिक्रा हमारा जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर इसी की हम कॉपी लेंगे, यहाँ जाएंगे थ्री डॉट पर और डुप्लीकेट लेंगे, तो हमारे पास इसी तरह का दूसरा जो है हमारे पास लेयर आ जाएगी। इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे जहाँ से वो हमारा तीसरा फिक्रा स्टार्ट हो रहा है, तो हम ये इसको आगे की तरफ ले आए हैं जहाँ से हमारा जो है तीसरा फिक्रा स्टार्ट हो रहा है। तो अब हमारा तीसरा फिक्रा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको लिखने के लिए हम यहाँ जाएंगे एडिट में। एडिट में जाने के बाद इसको हम मिटाकर वो तीसरा फिक्रा लिख देंगे। ठीक है, कान में बात और सरगोशी ना करें, ये वाला फिक्रा हमने यहाँ पर जो है लिख दिया है। तीसरा फिक्रा हमने लिख दिया है, अब इसको ओके करेंगे। उसके बाद हमने चौथे फिक्रे की तरफ जाना है। चौथा फिक्रा हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर इसी टेक्स्ट की हम कॉपी ले लेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, फिर हम आगे की तरफ जाएंगे जहाँ से हमारा जो है चौथा फिक्रा स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर हम इसको लिखेंगे। अब जो है हमारा जो तीसरा फिक्रा है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमने उसकी कॉपी ले ली थी उसी टेक्स्ट की, तो हम फिर यहाँ जाएंगे एडिट में और इसी को हम मिटाकर हम चौथा फिक्रा लिख देंगे। इसी तरह आपने भी लिखते जाना है नीचे की तरफ। तो ये चौथा फिक्रा मैंने लिख दिया है, इसको करेंगे ओके और इसको यहाँ पर जो है हम प्लेस कर देंगे। तो इसी तरह जो है आपने चौथा फिक्रा नीचे की तरफ लिख देना है। ठीक है, हर टेक्स्ट की आपने कॉपी लेते जानी है इस तरह, फिर आपने थ्री डॉट पे जाके इसको डुप्लीकेट करना है, फिर जहाँ से हमारा वॉइस ओवर स्टार्ट हो रहा है नीचे, उस वॉइस को देख के आपने जो है उसकी एडिटिंग करते जाना है। ठीक है, ये अब हमने चार फिक्रे थे जो हदीस के अंदर थे, हमने वो मुकम्मल लिख दिए हैं। ठीक है, किस तरह लिखे हैं आपके सामने, फिर हम अब उसको चेक करते हैं कि वो किस तरह बने हैं। जब तुम तीन आदमी साथ रहो, तो तुम में से दो आदमी तीसरे को अकेला छोड़कर कान में बात और सरगोशी ना करें, क्योंकि ये उसे रंजो गम में मुब्तला कर देगा। ये हो गया। अब एक चीज़ इसमें रहेगी, हवाला, हवाला लाजमी देना है आपने। ठीक है, जब ये चार फिक्रे पूरे हो जाएं, तो हदीस जो भी होगी उसके नीचे आपने हवाला लाजमी देना है। तो उसके लिए हम यहाँ जाएंगे लेयर में, फिर हमने जाना है टेक्स्ट में। तो यहाँ पर जो हवाला है वो मैं दे देता हूँ, सनन अबू दाऊद संद हदीस। ठीक है, तो ये हवाला जो है आपने नीचे इस तरह लाजमी दे देना है छोटा सा। तो इस तरह हमारी जो है वीडियो मुकम्मल तैयार हो जाएगी। तो इस तरह आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, जो मुकम्मल मैंने आपको बताया है किस तरह आपने वॉइस ओवर ऐड करना है, किस तरह आपने साउंड इफेक्ट लेना है, किस तरह आपने जो है अपना मटेरियल लेना है, उसको किस तरह ऐड करना है, किस तरह लिखना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा आपको। तो इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए दोस्तों लाता रहता हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।